वालेकुम और वेलकम बैक और सी सी एन ए साइबर ऑप का लेक्चर नंबर टेन uh, मैंने आज हाँ नोटिस किया चौथे लेक्चर से मैंने यहाँ पे जो राइटिंग थी वो सी सी एन ए सिक्योरिटी लिखी हुई थी और मैंने नोटिस ही नहीं किया और जनाबे वाला आप में से भी किसी ने नोटिस नहीं किया या ये सीरीज कोई नहीं सुन रहा या ये बहुत सारे सुन रहे anyway, तो आज हमारा फाइनल लेक्चर आई एम वेरी हैप्पी टू क्लोज दिस सीरीज और इट्स लाइक अनदर माइल स्टोन अचीव्ड बड़ी इम्पोर्टेंट सीरीज थी और मॉडर्न लैंडस्केप और मॉडर्न टेक्नोलॉजी रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी काफी इंपॉर्टेंट थी तो मैंने कहा यार ये फाइनल प्रप्रेशन तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये एक्चुअली चैप्टर नंबर अलेवन दिया हुआ और उस बुक वाले ने सेल किया हुआ इस बुक से आगे फर्दर आपने टॉपिक्स कहाँ कहाँ से पढ़ने हैं और कैसे कैसे पढ़ने हैं वो सारी चीज को लर्निंग अकेडमी में पढ़ा हुआ है यानी इन ऑर्डर टू रिकैप ये सबसे छोटी सी किताब थी और तकरीबन दो सौ ढाई सौ सफ़े की किताब है और उसके अंदर हमने थ्रेट एनालिसिस एंड कंप्यूटर फॉरेंसिक्स के बारे में देखा थ्रेट एनालिसिस क्या 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 होता है फॉरेंसिक्स क्या होता है बेसिक फॉरेंस यानी आपको फोरेंसिक्सपर्ट बनाया जाएगा उसके बाद फिर हमने नेटवर्क इंक्लूजन एनालिसिस के बारे में देखा फंडामेंटल और नेटवर्क इंक्लूजन एनालिसिस और नेटफ्लो की इंपॉर्टेंस किया नेटफ्लो के कुछ हमने वर्जनस uh, भी देखे थे फिर हमने हार्ड कोर जो है तकरीबन चार चैप्टर इंसिडेंट रिस्पॉस पे पढ़े हैंडलिंग कैसे करनी है इंसिडेंट रिस्पॉन्स की टीम्स क्या होती है कंप्लायंस फ्रेमवर्क क्या होता है जिसमें हमने पीसीआई को देखा एंड नेटवर्क एंड होस्ट प्रोफाइलिंग कैसे की जाती है उसके बाद हमने डाटा एंड इवेंट एनालिसिस देखा के डेटा अगर आपके पास है तो उसको एनालाइज कैसे करना है किस किस्म का डेटा आप एनालाइज कर सकते हैं किस किस्म के लोग एनालाइज करते हैं तो उसमें थोड़ा सा हमने सिम को भी टच किया फिर इंट्रूजन इवेंट कैटेगरीज के, के बारे में हमने पढ़ा आर्ट ऑफ इंट्रूजन आ, जो सा है उसको और आर्ट आर्ट ऑफ डाटा एंड एन इवेंट एनालिस और इंट्रूजन इवेंट कैटेगरीज में हमने डायमंड मॉडल पढ़ा था आ, ये सारे मिला के किए फाइनल प्रिपरेशन आज आज हम लोगों का है कि भाई आपने ये सारी चीजें जो एक दफा गो थ्रू कर ले अराउंड प्रोसेस ठीक है ना क्योंकि पहला जो एग्जाम था CCNA साइबर ऑप का दैट वाज मोर अराउंड हैंड्स ऑन दिस एग्जाम इज मोर अराउंड ऑपरेशनल एस्पेक्ट ऑफ ऑफ योर एग्जाम तो उससे आगे चलते हैं आगे चलने के लिए हम लोगों ने क्या करना है कि मैंने कहा यार ये ये जनाब आपका CCNA साइबर ऑप ऑफिशियली खत्म हो गया ये ओके मैंने कहा यार Uh, कुछ ना कोई बुक जो साइबर ऑप और ऑपरेशन सेंटर से रिलेटेड है लड़कों को सजेस्ट करनी चाहिए क्योंकि इट वुड बी वेरी बेनिफिशियल फॉर देयर uh, प्रोफेशनल ग्रूमिंग तो प्रोफेशनल ग्रूमिंग के लिए ये एक बुक है ये फ्री अवेलेबल है माइटर ने माइटर का वो जो फ्रेमवर्क हमने पढ़ा हुआ है मैंने यकीन बताया होगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क था जो कि आप किसी की बुक ने मेरे ख्याल में उसको डिस्कस नहीं किया क्योंकि थोड़ी सी मॉडर्न चीज थी तो साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर जो कंपनीज के पास साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर है वो होते कैसे किस किस्म के हैं उसके ऊपर बुक है बहुत अच्छी

उसकी अवेलेबिलिटी कैसे मेंटेन करनी है उसकी क्वालिटी कैसे मेंटेन करनी है और उसका ऑपरेशंस कैसे मैनेज करना है ठीक है तो चलते हैं यार ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप आप अगर आप गूगल करें तो ये आपको फ्री फ्रीली अवेलेबल है तो वो पैसों वाला भी कोई ड्रामेबाजी नहीं है मगर मैं आप लोगों को एक चीज सजेस्ट सजेस्ट करता हूँ जो मैं बहुत अर्सा पहले करता था कलेक्शन इकट्ठी करने की जरूरत नहीं है किताबों की किताब एक ही पकड़े और शुरू कर दें सही हो गया स्किम कर लें बोर हो रहे हैं तो दूसरी किताब उसके साथ पैरल में चला लें एनी वे सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर इज अ टीम प्राइमली कंपोज ऑफ सिक्योरिटी एनालिस्ट ठीक है सिक्योरिटी एनालिस्ट में कंपोज होती है एनालाइज करते हैं रिपोर्ट करते हैं हैंडल करते हैं डिफरेंट किस्म के सिक्योरिटी इंसिडेंट सो अगर आप अगर आप पूरे का पूरा सिक्योरिटी ऑपरेशन देखें तो ये तकरीबन एक इन, आ, बेसिक लेवल ऑफ सिक्योरिटी ऑपरेशन है ठीक है ना आई टी एसेट्स है और कलेक्ट सेंसिटिव रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन आप ले रहे हैं और टूल्स के अंदर ऐड कर रहे हैं मैं इस टाइम किसी टूल पे नहीं बात कर रहा कि आप जी एलियन वोट ले लें स्प्लंक ले लें सुमो ले लें एच पी ऑक्साइड ले लें आई बी एम क्यूरेटर ले लें ले। मैं ऐसी कोई बात नहीं कर रहा टूल में इकट्ठा कर लिया उसके बाद ट्यूनिंग हो रही है ठीक है और आउटसाइड द बॉक्स एनालिसिस हो रहा है ठीक है ए आई हो सकती है मशीन लर्निंग हो सकती है कुछ भी हो सकता है मगर ये लोग जो से हैं ये बाकी आ, साइबर इंटेल और थ्रेट वलेरबिलिटी इन्फॉर्मेशन जो उनसे है वो भी कलेक्ट कर रहे हैं सिर्फ एग्जाम्पल उन्हें पता चलता है अगर इस किस्म के हट है तो मैंने इस तरह करना है ठीक है और ये कॉन्स्टिट्यूंट्स अगर किसी ने रिपोर्ट किया इंसिडेंट तो टीयर वन का जो एनालिस्ट है वो उसको एनालाइज करेगा रियल टाइम मॉनिटरिंग ये ट्वेंटी फोर बाई सेवन कर रहे हैं अगर उन्हें लगे कि ये मैंने केस एस्केलेट करना है तो वो टी ए टू के पास एस्केलेशन कर देते हैं ठीक है और ये भी एस्केलेट टी ए टू के पर हैं तो आपको यहाँ अंदाजा हुआ कि ये वाली लाइन सॉर्ट ऑफ टीयर वन है ठीक है और ये टी ए टू है और टी ए टू ने फिर उसके बाद जो उनसे हाउ टू रिस्पॉन्ड करना है ब्लॉक करना है या कोई रूल लिखना है या कुछ करना है ठीक है मीडिया में ट्रैफिक मेलवेयर सैंपल और कोऑर्डिनेशन एंड कंसल्टेशन ये यानी बहुत हाई लेवल जो है सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर का व्यू है इसे अगर हम आगे चलें तो ये सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर का टूल्स आर्किटेक्चर है टूल्स आर्किटेक्चर क्या कि आपने इवेंट्स इकट्ठे कर रहे सबसे पहला आपका काम जो है ना वो इवेंट्स है उसमें आईडीएस के लॉग्स हैं आईपीएस के लॉग हैं डिवाइसेस के लॉग्स हैं सर्वर्स के लॉग्स हैं फायरवॉल के लॉग्स हैं नेट फ्लो है ठीक है ठीके? और उसको इकट्ठा करके आपने किसी लॉग मैनेजमेंट या एग्रीगेटर में ले ले आए जहाँ पे सिक्योरिटी एनालिस्ट ये जो आपका सिक्योरिटी एनालिस्ट है ठीक है इसको टोपी बना देते हैं ठीक है ये जो आपका सिक्योरिटी एनालिस्ट है ये इसको रियल टाइम मॉनिटरिंग कर रहा है एनालाइज कर रहा है ट्रेंडिंग एंड कोरिलेशन कर रहा है सही हो गया उसके बाद आपके पास नेटवर्क ट्रैफिक कैप्चर्स आ रहा है कुछ कंपनीस करती कुछ नहीं करती यानी ट्रैफिक कैप्चर इज अग थिंग ठीक है वो पी कैप के फॉर्मेट में आ रहा है आपके पास कितने दिन के लिए रखना है वो रिटेंशन की ड्रामेबाजी आ जाती है मेलवेयर ईमेल अटैचमेंट एंड वायरसेस सो आपके पास ये मेलवेयर रिपोजटरी बननी शुरू हो जाती है बहुत जो टीम्स वो ये करती हैं सॉक एनालिस्ट टीयर वन का कर रहा है नहीं उसको भी हम देखते हैं ठीक है और उसके बाद रॉ होस्ट डेटा आ रहा है आपके पास मेमोरी इमेज कॉन्फ़िग आर्टिफैक्ट एनालिसिस जब आप फोरेंसिक कॉन्फिक कुछ टूल का जिक्र हो गया अच्छा अब सवाल ये पैदा होता है आपकी सॉक का साइज आपके सॉक के रिसोर्सेज आपके सॉक के लिए जितने पैसे अवेलेबल हैं वो डिपेंड करता है कि कंपनी को सॉक की जरूरत है या नहीं आप आप अपनी सॉक को जस्टिफाई कैसे कर रहे हैं ठीक है और आपकी स्टेट कितनी बड़ी है अगर आपकी कंपनी में 200 कंप्यूटर हैं तो आपको सॉक की जरूरत नहीं है सही हो गया वो बुक के अंदर जो नंबर्स हैं वो बड़े हाई लेवल नंबर्स हैं ठीक है वो कहता है ये स्मॉल स्टॉक ये तक तो हजार डिवाइस के करीब हजार से हजार दो हजार डिवाइस तक का नेटवर्क पे आपकी स्मॉल सॉक चलेगी सही हो गया अब मॉनिटरिंग मॉनिटरिंग सिस्टम आई डी एस एंड सिम आर नॉट अ फायर एंड फोगेट आपने आज सिम लगाया आपने आई डी एस आई पी एस लगाई तो ये फोगेट हो जाओ आपने कॉन्टिन्यूस ट्यून करते रहना है अगर आप कॉन्टिन्यूस ट्यूनिंग नहीं करोगे उसकी अलर्ट्स नहीं देखोगे तो इज़ नो यूज टू दिस ओके okay, तो अभी आप समझे छोटी कंपनी है तकरीबन हजार दो हजार आपके पास और आपने छोटी सॉक बना ली आपको एज अ सॉक चीफ हायर कर लिया आपने सीसी ने साइबर ऑप आप किया आपको टीयर वन लीड हायर कर लिया ठीक है बल्कि आपका यहां पर है रोल अभी ठीक है टीयर वन लीड के नीचे सॉक चीफ के नीचे सबसे पहला पोर्शन है टीयर वन लीड ठीक है उसकी टीम क्या करेगी कॉल सेंटर होगा रियल टाइम मॉनिटरिंग करेगी साइबर न्यूज कलेक्शन एनालिसिस इमरजेंसी अलर्ट एंड वार्निंग के यूजर को फिशिंग ईमेल आ रही है इस तरह की ठीक है वोलेबिलिटी स्कैनिंग नेसेस टाइप ने टूल भी इनके पास प्लग इन होंगे टीए टू के उन्हें लगा कि यार ये कोई अलर्ट आई है और ये अलर्ट हमने देखी है और ये मशीन को डॉजी एक्टिविटी कर रही है टी ए टू को एस्केलेट कर दी टीएस टू उसको मजीद एनालाइज करेगी इंपैक्ट एनालिसिस करेगी ट्रेंडिंग करेगी उनके पास भी न्यूज आ रही है सही हो गया उसके अलावा उनके साथ एक सपोर्ट फंक्शन चल रहा होता है कॉल्ड सिज एडमिन या मैंने सिज एडमिन नहीं कहता मैं इन्हें ना सॉर्ट ऑफ डेवलपर्स भी कहता हूँ ठीक है सॉक इंफ्रास्ट्रक्चर ऑपरेशंस एंड मॉनिटरिंग के मॉनिटरिंग टूल सही चल रहे हैं अगर आपने सिम लगाया हुआ तो सिम सही एक्शन है क्योंकि वो टी एयर वन टी टू का काम नहीं है ठीक है टूल इंजीनियरिंग डिप्लॉयमेंट अगर कोई कस्टमाइजेशन या स्क्रिप्टिंग या ऑटोमेशन का कोई काम है तो वो भी कर सकते हैं सही हो गया और फ्रंट ऑफिस फाइनेंस एडमैन और सॉक की वेबसाइट चल रही है चल रही है अब आगे आप थोड़ा सा और बढ़ गए सही हो गया अब आपने देखा टीयर वन भी काम कर रही है टीयर टू भी काम कर रही है सीज एडमेन आ गया और एडवांस कैपेबिलिटीज आ गई अब एडवांस कैपेबिलिटीज में क्या हो रहा है कि ये जो कस्टमाइज सिग्नेचर्स हो रहे हैं ठीक है मेलवेयर इम्प्लांट एनालिसिस हो रहा है ठीक है ट्रेड क्राफ्ट एनालिसिस हो रहा है ट्रेंडिंग हो रही है ठीक है ये सारी चीजें अब थोड़ी ऑटोमेशन भी आ गई है थोड़ी एडवांसमेंट भी आ गई ये तकरीबन पांच एक हजार नोट्स के करीब ये काम हो रहा है ठीक है वोलेबिलिटी स्कैन भी हो रहा है अच्छा पेनिट्रेशन टेस्टिंग सर्ट ऑफ एक्टिविटी नहीं हो रही हो भी सकती है सही है लाजमी नहीं है मैं कह रहा हूँ कि यार यही चीज मॉडल फॉलो करना आप एक हजार का या पांच सौ की भी कंपनी हो आपका यार हमारा ऑपरेशन इतना क्रिटिकल है कि हमें सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर चाहिए उसके बाद ये लार्ज स्टॉक है ठीक है अब इसमें सॉक चीफ आ गया और उसके बाद सॉक को ना उसने तीन हिस्सों में डिवाइड कर दिया ठीक है ये तीन हिस्से आप सबके सब जहां से स्टार्ट करेंगे वो टीयर वन लीड से स्टार्ट टीयर वन से स्टार्ट करेंगे ठीक है टीयर वन हो गया और आपने देखा वलरबिलिटी स्कैनिंग निकल गई यहां से और यहां पे यहां पर आ गई है ठीक है नेटवर्क स्कैनिंग वलरबिलिटी स्कैनिंग पेनिट्रेशन टेस्टिंग स्कैनिंग असेसमेंट पूरी की पूरी एक डोमेन है अब उसके अंदर पेंटेस्टर बैठ रहे हैं उसके रेड टीमिंग बैठ रही है जो भी ड्रामेबाजी है ठीक है और उसके बाद ट्रेंडिंग लीड ये साइबर न्यूज के क्या हो रहा है फ्यूचर ट्रेंड कैसे हो रहे हैं क्लाउड बेस हो रही है क्रिप्टो माइनिंग टाइप अटैक्स हो रहे हैं रेसमेयर टाइप अटैक्स हो रहे हैं ठीक है थीके? और स्पेशलाइज ठीक है अगर आपके पास ये इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम है तो आईसीएस के जो हैकिंग ट्रेंड चल रहे हैं उनके डिफरेंट ग्रुप्स के साथ कम्युनिकेशन चल रही होती है और ये जो सिस्टम लाइफ साइकिल गाइस यानी ये आपके फंसे हैं तो आप उनके पास चले जाओ आपको सीधे करके दे देंगे ठीक है एक साइड जो सी है वो कंटिन्यूस ट्वेंटी फोर बाई सेवन आइज ऑन ग्लास है एक टीम स्कैनिंग कर रही है पेनिट्रेशन टेस्टिंग सारा कुछ ड्रोमेबाजी फिशिंग अटैक्स फिशिंग सिमुलेशन सारा कुछ ब्रेक इन सिस्टम रेड टीम बे...

मैनेजमेंट अप्रूवल ठीक है है ये ये कह रहा है। अच्छा अब जो आपके पास ना एक और सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर का मॉडल होता है ये मैंने कुछ कंपनीज में देखा है ठीक है uh, सिर्फ एग्जांपल एक जापानीज़ बेस्ड कंपनी है उनका हेड ऑफिस है जापान में सही हो गया अब उन्होंने कहा यार हम यूरोप को सपोर्ट नहीं दे सकते हमने उनको ना प्रोविजनल या सबॉर्डिनेट सॉक कह दिया ठीक है तो यूरोप में या एशिया में जो सॉक बैठी हुई है वो एक सेपरेट सबऑर्डिनेट सॉक है क्योंकि बिजनेस ज्यादा हो जाते हैं एक कंपनी नहीं है मल्टीपल लाइक होल्डिंग कंपनी जो होती है हो, बड़ी होती है तो मैंने ये भी मॉडल देखा तो सेंट्रल कोऑर्डिनेटेड सॉक जो है ना वो ऊपर बड़ा सॉक सर्ट या टाइप के मॉडल में बैठी हुई होती है ठीक है सेंट्रलाइज स्टॉक और वो जो सी है वो बोर्ड मेंबर्स को बोर्ड के जो होल्डिंग के बोर्ड मेंबर्स हैं उनको रिपोर्ट कर रही होती है उसका नेशनल स्टॉक के साथ भी कोई ताल्लुक होता है और फिर उसके बाद वो इंसिडेंट रिपोर्ट्स इंसिडेंट कोऑर्डिनेशन आई सिग्नेचर डेटा फीड साइबर इंटेल सारी की सारी उसे भेज भी रही होती है उसे ले भी रही होती है इनके पास भी अपने टूल सेट है इनके पास भी अपने टूल सेट है मगर ये एक आ... यूनैनी काम नहीं कर रही होती यानी अपनी अजारादारी फुल नहीं होती मगर काफ़ी हद तक इनका कंट्रोल होता है और फिर होगा ये कि सिर्फ एक्जाम्पल बिजनेस यूनिट्स जो से हैं उनको रिपोर्ट ये लोग कर रहे होंगे यहाँ से नहीं आ रही होगी रिपोर्ट क्योंकि उसमें लैंग्वेज कल्चर बैरियर्स भी आ जाते हैं कुछ कंपनीज के नज़दीक ये रीज़न होती है कुछ कंपनीज के नज़दीक होती है कि बहुत बड़ा छमेला है और लोग एक दूसरे को समझ नहीं सकते तो वो यूरोप एशिया और अमेरिका के थ्री डिफरेंट सबॉर्डिनेट सॉक्स बना देते हैं वो सॉक्स 24 फोर बाई सेवन काम करती है और ये सेंट्रल कोऑर्डिनेटेड सॉक भी 24 फोर बाई सेवन काम करती है डिपेंड्स के ऑपरेशन कितना बड़ा है अगर बहुत मैसिव मैसिव ऑपरेशन है तो मैंने ये देखे हैं मॉडल इंप्लीमेंट हुए हुए अच्छा ये सर्विस टेम्पलेट्स हैं लाइक लार्ज विर्चुअल टीयर्ड और नेशनल मगर हम स्मॉल लार्ज वर्चुअल के बीच में हैं ठीक है ओ uh, का मतलब है ऑप्शनल है बी का मतलब बेसिक है और ए का मतलब है एडवांस्ड ठीक है फॉर like, एग्जांपल अगर कॉल सेंटर ऑपरेशन है ठीक है या रियल टाइम मॉनिटरिंग है तो वर्चुअल सॉक में जरूरत नहीं है वर्चुअल सॉक बहुत छोटी कंपनी है ठीक है जिसमें नाइन टू सेवन नाइन टू फाइव सॉक चल रही होती है स्मॉल सॉक में बेसिक ऑपरेशन है और लार्ज और टी सॉक के ऊपर लाजमी है रियल टाइम मॉनिटरिंग है ठीक है इसी तरह अगर हम समझ लें सिर्फ एग्जाम्पल लेस पिकअप समथिंग एल्स थ्रेट असेसमेंट थ्रेट असेसमेंट जो उन है यह साइबर इंटेल इंटेल डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है यह ये थ्रेट असेसमेंट कर लें वर्चुअल में जरूरत नहीं है स्मॉल में ऑप्शनल है और लार्ज में लाइक बेसिक रिक्वायरमेंट है ठीक है और नेशनल लेवल पे थ्रेट असेसमेंट बहुत एडवांस लेवल पे चाहिए सही है इसी तरह सॉ सॉक लाइफ साइकिल सपोर्ट हमें पता है जो लोग ऑपरेशन कर रहे हैं आर्ट इफेक्ट एनालिसिस इंसिडेंट एनालिसिस वाले इंटेल एंड ट्रेंड रियल टाइम एनालिसिस ठीक है स्कैनिंग एंड असेसमेंट या पेनिट्रेशन टेस्टर्स वगैरह आगे ठीक है वलरबिलिटी स्कैन तकरीबन हर एक के अंदर चाहिए ठीक sort of है पेनिट्रेशन टेस्टिंग सॉर्ट ऑफ ऑप्शनल है कुछ लोग उसे सिक्योरिटी टीम का पार्ट बना देते हैं मगर डिपेंड्स सही हो गया अच्छा फर्दर लर्निंग अब सॉरी पैदा होता है आपने मजीद लर्निंग क्या करी है सी सी साइबर ऑफ कर लिया उसके बाद क्या करें ठीक है उसके बाद पॉसिबिलिटी अगर आप कोशिश करें जॉब ढूंढने की अगर जॉब ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं तो साथ साथ लर्निंग विद करते रहें मगर उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है एनालिस्ट क्वालिटी इज वेरी वास्टली इंपॉर्टेंट देन एनालिस्ट क्वान्टिटी ठीक है क्वालिटी जो भी बंदा सिक्योरिटी एनालिस्ट ढूंढ रहा है क्योंकि अपने सिक्योरिटी एनालिस्ट जाके लगना है जूनियर सिक्योरिटी एनालिस्ट से शुरू कर ले तो आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है नेवर आस अ टीयर वन टू मॉनिटर टीयर वन को कभी भी ना कहें कि ये डेटा पड़ा हुआ और इसको मॉनिटर करना शुरू कर दे उसे कुछ समझ नहीं आए ठीक है उसे ट्रीम डाउन मॉडल दे ठीक है क्योंकि फिर वो क्या करेगा कि वो ज्यादा टाइम वो फजूल चीजों पे ज़ाया कर देगा बेचारा क्योंकि उसका एक्सपीरियंस नहीं है तो उसको बहुत क्लियर कंसाइज किस्म की दें कि रात नौ बजे से लेकर सुबह आठ बजे के दरमियान जितने आर डी पी सेशन है वो सारे मॉनिटर करें उसका सारे आर डी पी मोनिटर करने लगे बेचारा पागल हो जाएगा अच्छा उसके बाद मैंने कुछ लिस्ट लिखी है प्रोफेशनल कॉन्फ्रेंसिस की दिस इज नॉट एग्जॉस्टिव लिस्ट ऑफ इट ऑल बट दिस इज अ लिस्ट दैट यू नीड टू प्रिपेयर ठीक है इनसे आप जो सा है इकट्ठा कर सकते हो नॉलेज सेट ब्लैक हैट अगर आप जा सकते हैं अगर आप अमेरिका में हैं डेफ कॉन जा सकते हैं अमेरिका में फिर दोबारा आर एस ए कॉन्फ्रेंस फिर कैलिफोर्निया में ठीक है बाकी ये जो डिफरेंट किस्म के हैकरस ग्रुप और बी साइज़ भी बी साइज़ भी होना चाहिए डिफरेंट वेंडर्स ट्रेनिंग अवेलेबल हैं आपकी लोकेशन में मैंने मोस्टली यू एस बेस लिखी हैं मगर बाकी कंट्रीज़ में भी बहुत सारी हो रही हैं ठीक है, है? पाकिस्तान में जिस तरह की गिप्स का गिप्स का प्लेटफॉर्म है आ, प, ज्वाइन दैम इफ़ यू कैन वो बहुत ज्यादा नॉलेज शेयर करते हैं उर्दू आइट अकेडमी ने उनके साथ दो चार सेशन्स किए हैं ठीक है और, आ, और बहुत सारे प्लेटफॉर्म होंगे मुझे नहीं पता बी साइज बी साइज जो से हैं वो फ्री होते हैं ठीक है इन्फोसेक जो सी है वो काफ़ी फ्री होती है इन्फोसेक यूरोप में तो होती है मुझे एशिया का एशिया में भी होती है मेरे ख्याल में तो डिफरेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं और चार पांच डिफरेंट प्रोडक्ट्स को ना पकड़े टेक्नोलॉजी को अंडरस्टैंड uh, करने की कोशिश करें फिर एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट पर स्पेशलाइजेशन हासिल हासिल कर लें उसके बाद आपको प्रोडक्ट स्विच करने में मुश्किल नहीं होती मोस्टली सही हो गया अच्छा उसके बाद ये सिम ओवरव्यू सिम 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 हम बहुत अरसे से कर रहे हैं ठीक है मेरे ख्याल में अगले साल तक किसी ने कह देना डेथ ऑफ अ सिम सही हो गया uh, डोंट लॉक जस्ट द डिनाइज अलाउज़ आर ऑल ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैं पर्सनल लेसन लर्न है मेरे कि खाली डिनाइज आर नॉट गुड एंड आफ यूनिट टू लॉक अलाउज़ सही हो गया और ये हम लोग कितनी दफ़ा जिक्र कर चुके हैं ये बुक में डायग्राम थी मेरे नज़दीक बहुत अच्छी थी एक्सेस कंट्रोल क्रिटिकल एप्लीकेशन एंटी वायरस कॉन्टेंट डेटोनेशन वेलनेबिलिटी स्कैन आई डी एस राउटर स्विचिज सर्वर हर चीज़ से लॉक इकट्ठी की फिल्टर की एनरिच की इंफॉर्मेशन आउटपुट देनी शुरू कर दी अलर्ट फीड विचुअलाइजेशन रिस्पॉन्स फोरेंसिक सिक्योरिटी स्टेटस तो ये सिम का लाइक हाई लेवल ओवरव्यू और ये बहुत अच्छी डायग्राम है मेरे नज़दीक अगर ये मेरे पास पांच से सात साल पहले होती तो मुझे बहुत ज्यादा खपना ना पड़ता आगे चलते हैं पॉइंटर्स ठीक है डू नॉट लॉक डिनाइज मैं जिक्र कर चुका हूँ कीपिंग स्पेन कन्फिग्रेशन अप टू डेट्स नेटवर्क सेंसर डोंट गो डार्क कि आपको पता चले आपने स्पैन कन्फिगर की बाद में पता चले कुछ नेटवर्क में चेंज आया उसके स्पैन बंद हो गया और आपको आ, आ, सेंसर जो से इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे आपने अलार्म सेटअप करने अपने सिस्टम में कि जहाँ से डाटा आ रहा था वहाँ से डाटा आना बंद हो जाए या वो ह्यूजली ड्रॉप हो जाए तो आपने मेक श्योर sure करना है कि आ, वो सही रहे इसीलिए हेल्थ चेक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और आ, एडवर्सरीज uh, को आपके पता नहीं होना चाहिए कि आपका सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर कैसा uh, काम कर रहा है और आपका ऑपरेशन सेंटर बड़ा प्रसाइज और मिशन क्रिटिकल ऑपरेशन कर रहा है ठीक है नेवर जॉइन सॉक मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सेंसर एनालिस्ट वर्क स्टेशन एनी अदर सॉक इक्विपमेंट टू द जनरल कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ विंडोज डोमेन सॉक का जो नॉर्मली इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो आपकी इपक और ऑर्गेनाइजेशन की नेम डोमेन पर नहीं होता लाइक like, उर्दू आई टी की डोमेन पर नहीं होगा उनका जो पब्लिक आई पी एड्रेस भी होगा वो भी पब्लिक नहीं होगा जिस तरह आपके उर्दू आई टी के एड्रेस पब्लिक हों या ऑफिस एड्रेस पब्लिक हों सही हो गया ना ताकि खुदा खास अगर वहाँ पर कोई मसला हो तो आप आ, अपना सॉक ऑपरेशन कर सकें उनके पास नॉर्मली बैकअप लाइन्स होती हैं कोऑर्डिनेशन डायग्राम एक दफ़ा दोबारा के सॉक चीफ है वो ऊपर पीयर सॉक से भी बात कर सकता है नेशनल सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर से भी बात करता है लाइक like यूके के लिए नेशनल क्राइम एजेंसी जो एक बहुत इंपॉर्टेंट किरदार अदा करती है जी के भी कुछ लिंक्स होते हैं पब्लिक डोमेन के अंदर ठीक है और फिर लाइक uh, like, uh, ये ये टॉप अप्रोच है और बॉटम अप्रोच ये है कि इंसीडेंस डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्स के लिए आपको सीसो से नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर से आई टी डेस्क से सिस्टम ऑनर से यूजर से अदर स्टेक से जो जिनसा है लिंक और कोऑर्डिनेशन रखनी होती है अगर कोई इंसिडेंट आ गया तो कैसे उसको एस्केलेट करना है ठीक है लेसन um, लर्न ये कुछ लेसन लर्न बुक के आखिर में भी लिखे थे इसमें दो चार मैंने भी ऐड किए हैं स्टॉप थिंक रिस्पॉन्ड ठीक है, है ना कभी भी कोई सिक्योरिटी इंसिडेंट हो और अगर आप फर्स्ट पर्सन रिस्पॉन्डर आपने पैनिक नहीं करना ठीक है सो so स्टॉप करना है थिंक करना है फिर रिस्पॉन्ड करना है नॉर्मली आपका इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्लान आपको बता रहा है फॉलो एसओपी ठीक है एसओपी फॉलो करनी है ठीक है जो भी आपका इंसिडेंट रिस्पॉस प्लान कह लो एसओपी कह लो जो भी कहना चाह रहे हो ठीक है के, अच्छा अच्छा किसी ने कॉल की कहता है जी सिस्टम कंप्रोमाइज हो गया आप उसे वो इंसिडेंट रिपोर्टिंग फॉर्म में से क्वेश्चन पूछें क्या हुआ है कैसे हुआ किसने बताया किस तरह हुआ कितने बजे हुआ तुमने क्या क्या, क्या एक्शन परफॉर्म किए अच्छा अब तुम ये करो ठीक है डोंट पैनिक ठीक है मुझे कितनी दफा ऐसा हुआ है कि ऑर्गेनाइजेशन में पैनिक होता है और यू हैव टू गो देयर

Be very honest. Tell them we are not sure what has happened. We are looking into this. Okay. Don't give them a wrong picture. I ये लर्न with with experience by seeing the people or have done it myself as well. Okay. You give a you give a wrong um, um, answer. कि आप अपने इस टाइम के भाई मेरे परफॉर्मेंस दिखाने के लिए आपने बता दिया गलत जवाब मगर बाद में पता चला जी आपने जो प्रडिक्शन या फोकास्ट की थी वो ठीक नहीं थी ठीक है बी केयरफुल अबाउट एट्रीब्यूट चाइनीज आईपी स्कैनिंग कराओ चाइना से अटैक आ गया नहीं नहीं कहीं और से भी हो सकता है एक्सेस द फुल एक्सटेंड ऑफ इंट्रूजन एक्सेस करनी पूरी की पूरी इंट्रूजन उसके बगैर बोर्ड को नहीं बताना या सीनियर मैनेजमेंट को नहीं बताना है क्या हुआ अंडरस्टैंड सो वट ये मैनेजमेंट सबसे पहले पूछती है क्या फिर क्या ठीक है सी ओ का लैपटॉप uh, कंप्रोमाइज हो गया और रैसम वेयर्ड हो गया तो सो वॉट ठीक है मैनेजमेंट मिशन डॉलर टेक्निकल जॉर्गन्स इंटू अ बिजनेस लैंग्वेज आपने कन्वर्ट करके करना है ठीक है मगर ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इस टाइम ये तो सॉक्स चीफ का जॉब है ठीक है मगर आप एवेंचुअली यू वुड ग्रो इन टू दिस फॉलो द रूल्स ऑफ एविडेंस कलेक्शन एंड डॉक्यूमेंटेशन हमने बड़ी डिटेल से पढ़े हुए हैं वो प्रोवाइड मेजर्ड अपडेट फैमिली मेम्बर्स इन एन एमरजेंसी ठीक है लाइक uh, टीम sort of uh, पूरी टीम जो इस इंसिडेंट पे या मल्टीपल इंसिडेंट पे काम कर रही है तो उसको फुली अपडेटेड रखें केयरफुली असेस एंड इंपैक्ट एंड काउंटरमाइजर्स एंड रिस्पॉन्स एक्शंस के अगर हम ये करते हैं तो क्या होगा उसके क्या है लिसन टू योर टीम ठीक है एंड श्योर एंटायर सॉक इज वर्किंग टूवर्ड्स द सेम गोल ये ना हो कि एक बंदा जो है वो uh, कुछ करना चाह रहा है दूसरा बंदा कुछ और करना कर चाह रहा है फोकस यू एनर्जी एट समय द सेम स्टफ डेड टू आस्क

सही हो गया ये सौक आर्किटेक्चर की डायग्राम अब जो चीज़ मैं बता चुका हूँ वो सारी आपको समझ आ जानी चाहिए मेरे ख्याल में वो जो डायग्राम पीछे वाली थी सिम की वो ज़्यादा बेहतर है सही हो गया और गुड लक फॉर योर एग्जाम इट नॉट अ वेरी वेरी हार्ड एग्ज़ाम आई हैव कम अक्रॉस अ लॉट ऑफ पीपल जिन्होंने एग्ज़ाम दे लिया पास कर लिया है और केम बैक टू मी से वेरी वेरी थ्योरेटिकल है ठीक है को इतनी परेशानी की बात नहीं है खुश रहें और आपसे फिर किसी और सीरीज में मुलाकात होगी दो में याद रखें अल्लाह हाफिज़